Hi everyone, this is Surbhi Gandhi and welcome back to a new video. तो हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान रहता है जिससे बात करके हमें नेगेटिव वाइब्स आती है या फिर हमें पता होता है कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको इन नेगेटिव लोगों से डील करना है, बिकॉज बहुत बार वो नेगेटिव लोग हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ को. आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दीस पीपल. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले तो उनसे दूर रहो और उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो. गेट बिजी इन डूइंग थिंग्स, डोंट एवर गो बैक टू देम. आपको अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम ऐसे लोगों पे क्यों वेस्ट करना है? ऐसे लोग से बात करके हमें अच्छा फील नहीं होता है और ये हमारे बारे में ही हमें बुरा फील करवाते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कट नेगेटिव पीपल आउट ऑफ योर लाइफ. ये ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं. यू नो हु दीस पीपल आर. आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स आएगी. तो लिसन टू योर गट फीलिंग, बिकॉज योर गट फीलिंग डजंट लाई टू यू. अगर आपको फिर भी पता नहीं है कि कौन है ये लोग, तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके आपको अच्छा फील नहीं होता है. यू डोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ. दे आर ऑलवेज मेकिंग यू फील दैट समथिंग इज रॉन्ग विद यू. मेरी भी लाइफ में ऐसे कुछ नेगेटिव लोग थे जिनसे बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता था. आई स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन. कट देम, डोंट सी देम, डोंट टॉक टू देम. बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू स्पेंड योर टाइम विद. टाइम डज नॉट ऑलवेज मीन कि आपको फिजिकली उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आपको मेंटली भी उनके बारे में इतना नहीं सोचना है और माइंड में भी उनको उतना टाइम नहीं देना है उनके बारे में सोच सोच के, बिकॉज दैट विल समवेयर यू नो ड्रेन योर एनर्जी. अगर कोई आपको सही राह नहीं दिखा रहा है तो यू आर फ्री टू मेक योर ओन चॉइसेस एंड डिसाइड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर ओन डिसीजन और बाद में आगे जाके आपको उनको ब्लेम नहीं करना है उनकी वजह से ऐसा हुआ. बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड इन माई लाइफ इज दैट फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ माई लाइफ आई अलाउड समवन टू कंट्रोल माई लाइफ, और उस इंसान ने मेरी लाइफ को इतना कंट्रोल किया टू अ पॉइंट दैट आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. आई डिडंट फील लाइक लिविंग. देयर वर टाइम्स जब मुझे ऐसा लगता था कि यार लाइफ इज सो पैथेटिक. मुझे इतना गुस्सा आता था अपनी लाइफ पे. तो ये नेगेटिव लोग कोई भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस में योर सिबलिंग, योर रिलेटिव, एनीबडी. या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने वो लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपके सामने, बट आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते रहते हैं. ये खुद तो पहले कुछ कर नहीं रहे होते, इसलिए दे ट्राई टू पुट यू डाउन. एंड दीज आर द पीपल हु डोंट वांट टू सी यू सक्सीड. मे बी बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू, या उनको ये हमेशा डर रहता है, ये इनसिक्योरिटी रहती है कि आप उनसे आगे नहीं निकल जाओ. तो आपको ऐसे लोगों से सबसे पहले तो दूर रहना है. कट ऑफ दीज पीपल, उनको कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से. बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऐसे लोगों से फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता उनसे दूर रहना. बिकॉज या तो ये आपकी फैमिली के लोग होते हैं, या ये आपके ऑफिस में होते हैं, या ये हमेशा आपके साथ रहते हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू नॉट सी देम एंड गेट रिड ऑफ देम परमानेंटली. आपको पता होगा कि कुछ लोगों से बात करके हम एकदम रिचार्ज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं. दीज आर द पीपल हु चीयर यू, हु मोटिवेट यू. दीज आर योर पीपल, नेवर लेट देम गो, बिकॉज उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है. बट जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा आपकी वीकनेस हाईलाइट करेंगे, आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाएंगे. आपको ये नेगेटिव लोग इसलिए अफेक्ट करते हैं क्योंकि आपने ये पावर दिया है उनको, ये राइट दिया है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का. तो आपको ये जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में वापस लेना है. डोंट थिंक बैड अबाउट देम, डोंट अब्यूज देम, डोंट ड्रेन योर एनर्जी ऑन देम. नहीं तो उनमें और आप में डिफरेंस ही क्या रहेगा? ऑल यू हैव टू डू इज डोंट अलाउ देम टू हार्म यू. से फॉर एग्जांपल दैट आई हैव अ लेमन, ठीक है, मेरे हाथ में नींबू है, एंड इफ आई स्क्वीज इट तो उसमें से क्या निकलेगा? ऑब्वियसली लेमन जूस, राइट? Why? Because that is what inside it. तो अगर लोग negativity spread कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? It is because that is what inside them. तो उनकी बुराई करके आप उनके लेवल तक गिर मत जाओ. अगर आपने एक बार ये identify कर लिया कि कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो उनसे जितना जल्दी हो सके relation खत्म कर दो और उनसे दूर रहो, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. उनका existence ही भूल जाओ, वो है या नहीं है उससे आपको फर्क ही नहीं बनना चाहिए. आप toxic और negative लोगों को control नहीं कर सकते, आप उनके actions को control नहीं कर सकते, but आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो. तो इस पे ध्यान मत दो कि वो क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज वॉट यू से टू योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट दीज नेगेटिव पीपल आर स्प्रेडिंग अबाउट यू. अपने गोल्स पे फोकस करो, बी काइंड, बी हम्बल. जितना हो सके जो भी आप काम करे उस पे फोकस करो. अपना सारा एनर्जी डाइवर्ट करके जब आप काम पे लगाओगे, दैट इज वेयर यू विल बी योर बेस्ट वर्जन. तब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे बाहर अच्छे से निखर के आएगी. एंड आई होप कि
अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी नेगेटिव लोग है, जस्ट कट देम ऑफ, स्टे अवे फ्रॉम देम, डोंट लेट दैट अफेक्ट यू इन एनी वे. बी काइंड टू योरसेल्फ, से गुड थिंग्स टू योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ, और अपने काम पे ध्यान देते रहो. एंड आई एम श्योर दैट वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल, और आप जो भी चाहते हो लाइफ में आपको वो सारी चीजें मिलेगी. सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. See you in the next video. Until then, take care.